हम सब लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं, स्क्रॉल करते टाइम सोचते हैं कि भाई इन सब ने भी तो मोबाइल से खींची, हमारी फोटो इनके ऐसी क्यों लगती। एक रीजन है इसका कि मतलब उनके हाथों में कला बहुत ज्यादा है, बट एडिटिंग भी एक बहुत बड़ा पार्ट होता है किसी भी अच्छी फोटो का। और आप सब में से पूछ रहे थे कि भाई ऐसी वाली फोटो कैसे एडिट करी और ये भाई मोबाइल से खींची हुई क्यों नहीं लग रही, तो आपको एकदम सिंपल तरीके से मोबाइल फोन से डायरेक्टली, मतलब कोई झंझट नहीं है कि कंप्यूटर में डालो फोटोशॉप वोटोशॉप, मैं एकदम मोबाइल से फ्री सॉफ्टवेयर के साथ आपको दिखाता हूँ कि भाई कैसे डिसेंट क्वालिटी फोटो आप एडिट कर सकते हैं और उसको भाई तगड़ी क्वालिटी की बना सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, मेरा नाम होम शॉप 18 वाली फील आ गई थी एक सेकेंड के लिए। एडिटिंग क्या है ना, कला सी है, सबका अपना अलग स्टाइल होता है एडिट करने का। कोई एकदम ऐसे अंधेरा कायम रहे, ऐसे पूरे अंधेरा बिछा देता फोटो में, और कोई ऐसे एकदम रोशन कर देता है, कोई एकदम लाल पीला कर देता है चेहरा, कोई ऐसे ब्लू कर देता है, मतलब आप समझ गए ना। तो मैं एक जो सिंपल तरीका है जो काफ़ी पिक्चरों में भी यूज़ होता है, टील एंड ऑरेंज वाला, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। वैसे बेसिकली दो इस टाइम पे ट्रेंड में चल रहे हैं, एक टील एंड ऑरेंज और एक रेड और ब्लू, या फिर पिंक और ब्लू, पिंकिश रेडिश ब्लू होता है। मैं लाइट रूम पे एडिट करना पसंद करता हूँ क्योंकि मतलब मेरे को थोड़ा सिंपल लगता है, बट स्नैपसीड और बाकी सारे एडिटिंग सॉफ्टवेयर में भी ऑलमोस्ट सेम काम हो जाता है। तो लाइट रूम में फटाफट खोल लेता हूँ, और तो जैसे कि आप देख सकते हैं फोटो काफ़ी भद्दी सी लग रही है, एकदम डार्क डार्क सी, कोई कलर नहीं है, कुछ नहीं है, और एक्चुअल ऐसा लग रहा है रात में खींच दिया किसी ने बेकार सी लाइटिंग में। बट इसको ठीक करके हम एक बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की फोटो बना पाएंगे, और ये एक्चुअली मेरी मोस्ट लाइक फोटो है इंस्टाग्राम की, तो उसी को रिक्रिएट करके बता देता हूँ। और ये वाली एक्चुअली फाइनल फोटो है, तो इसी की जैसे बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस वाली फोटो में सबसे पहले हमको जो डार्कनेस है और जो बाकी सारी चीज़ें वो फिक्स करनी पड़ेगी। तो मैं यार ऑटो बटन कभी कभार यूज़ कर लेता हूँ, और आप देख सकते हैं कि ऑटो बटन दबाने से ही मतलब काफ़ी सारी लाइट आ गई है, काफ़ी सारा ठीक ठाक कर दिया उसने, और अब एक्सपोजर अपने हिसाब से थोड़ा ठीक कर सकते हैं। पर यार एक चीज़ मैं बता दूँ, मैं एकदम ऐसे हाइपर लेवल अल्टीमेट प्रोफेशनल प्रो नहीं हूँ, मैं खाली एक यूट्यूबर हूँ जो वीडियो बनाता है और थोड़ी बहुत फोटो खींचनी आती है जिसको। तो अगर आपको मतलब ऐसे प्रोफेशनल से सीखना है तो या तो जाके आप ऐसे लाखों रुपए दो, या फिर आप एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हो जैसे स्किलशेयर। स्किलशेयर ने यार वीडियो स्पॉन्सर भी करी है, बट भाई स्किलशेयर एक्चुअली मेरे को इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो ना यूट्यूबर बनाते हैं, स्किलशेयर बेस्ट लोगों को लेके आता है अपने प्लेटफॉर्म पे। भाई अभी मैं खोल के दिखाता हूँ इनका। तो समझ लो आपको डिजाइनिंग सीखनी है, तो जो बेस्ट डिजाइनर है वर्ल्ड में आरएन ड्रैपलिन एक्चुअली नंबर 1 या 2 पे आता है, वो सिखाते हैं। और DSLR फोटोग्राफी अगर आपको सीखनी है तो जस्टिन ब्रिजेस बहुत ही बढ़िया हाई क्वालिटी के प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं, वो सिखाते हैं। और साइमन सेनेक अगर आप एंटरप्रेन्योरियल वर्ल्ड में हो तो भाई आपको पता होगा ऑलमोस्ट वन ऑफ द बेस्ट एंटरप्रेन्योर्स हैं। और ऐसे बहुत ही सारे मतलब 26 या 25 हज़ार के ऊपर कोर्स आप एक सब्सक्रिप्शन से ले सकते हैं, तो मैं 100% रिकमेंड करूँगा इनको। ऐसे तो काफ़ी सारे ऑफर चलते रहते हैं, और $10 में अराउंड 700 रुपये में आपको भाई 25,000 प्रोफेशनल कोर्सेज देखने के लिए मिलते हैं, और जो क्वालिटी होते हैं कोर्सेज वो काफ़ी तगड़ा होता है, तो एक्सट्रीम वैल्यू फॉर मनी है। और इसके ऊपर 500 लोग जो लिंक पे क्लिक करेंगे नीचे उनको फ्री मिलेगा 2 महीने का, तो भाई डेफिनेटली लपेट लेना, और अगर नहीं भी मिलता है फ्री तो डेफिनेटली ट्राई कर लेना, काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। और अब आगे बढ़ जाते हैं एडिटिंग के साथ। अगर आप लोग पनीर टिक्का बनाते हो तो भाई उसका मसाला वसाला लगा के पनीर को पकाने के बाद उसके एंड में से जब पक जाता है एकदम, तब चाट मसाला डालते हो ना, तो भाई वैसी फ़ोटो के साथ भी होता है। अभी के लिए फ़ोटो को फीका रहने दो, और एंड में जितना भी होगा ना, एंड में जब एक्सपोर्ट करते टाइम सारा मसाला वसाला डालेंगे, तो मतलब अभी एकदम ऐसे फीकी फीकी फ़ोटो रखते हैं हम, और जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी कंजर्व कर लेंगे, तो बादल भी सब क्लियर दिखें, चेहरा भी एकदम ठीक ठाक क्लियर दिखे, और ऐसा बहुत ज़्यादा वाइट और कॉन्ट्रास्टी सा ना करो, कॉन्ट्रास्टी मतलब ऐसे ब्लैक एकदम ब्लैक ब्लैक सा हो गया और वो वाइट एकदम वाइट वाइट सा हो गया। तो देखो मैंने एक्सपोजर हल्का सा बढ़ा दिया, कॉन्ट्रास्ट हल्का सा मैं कम कर देता हूँ, और हाइलाइट्स भी हल्की सी कम कर देता हूँ मैं। तो देखो अब एक्चुअली ऑटो बटन दबाने के बाद ही ऑलमोस्ट लाइक एकदम ठीक ठाक सी फोटो आ गई है। तो देखो फिक्स तो कर दिया फोटो और ठीक ठाक है, देखने लायक है, इंस्टाग्राम पर डालो थोड़े बहुत लाइक आ जाएंगे, बट भाई एक्सट्रीम क्वालिटी हाइपर अमेजिंग लाइक्स चाहिए, मतलब ऐसे स्क्रॉल करते करते मतलब ओ भाई क्या फोटो दिख गई है, उभर के अलग से दिखे। उसकी एक टेक्निक होती है, मतलब भाई टील एंड ऑरेंज आपको थोड़ा बताता हूँ मैं, तो भी मतलब ब्लूइश वाले शेड्स हैं वो थोड़े टील कलर की साइड हो जाएंगे, वो यहाँ पे ऐसे दिखाता हूँ, टील इस कलर का होता है, और जितने भी येलो ऑरेंज रेड वाले हैं ना ये सारे ऑरेंज की साइड आ जाएंगे, तो ऐसे दो कॉन्ट्रास्ट में अलग से कलर दिखते हैं ना, तो उभर के सी आती है इमेज। और अगर आपने नोटिस करा तो यहाँ पे भी मैं ऐसी चीज़ें रखता हूँ, ये ऑरेंज है वो लैम्प भी हल्का सा ऑरेंज है और पीछे ब्लू है, तो टील एंड ऑरेंज वाला हल्का सा वो फील आती है, इसलिए अच्छा लगता है देखने में। तो
इंटेलेक्चुअल लेवल कितना बढ़ा दे तुम्हारा वो डायरेक्ट एडिटिंग में आते हैं यार। तो उसके लिए क्या करना है, कलर वाले सेक्शन में आपको जाना है, नीचे बिंदी सी बन रखी है, और इसमें आपको टेम्परेचर हल्का सा कम करना है कि मतलब हल्का हल्का ब्लूइश आपको देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि काफ़ी सारी केसेज में लाइक जो स्काई होता है ना वो हल्का सा वाइटिश सा होता है, तो आप टेम्परेचर कम करोगे ना तो सारा ब्लू होना है उसमें लग जाता है। तो इसको टेम्परेचर को हम और कम करते हैं, तो इससे क्या होगा कि मतलब ब्लू और ऑरेंज ना अलग अलग से ऐसे उभर के आएगा। तो टेम्परेचर हमने कम कर दिया, वो अपनी फोटो के हिसाब से हल्का फुल्का चेंज करना, मैं नंबर एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा कौन से करना है। देखो बीच में रोक के मैं एक चीज़ बोलता हूँ, सब्सक्राइब बोलना भूल गया था, बट ऐसे डाल दिया मेरे को जो याद नहीं आ रहा है, तो कर दो सब्सक्राइब, दिल की बात है, समझ जाया करो, अपने आप कर दिया करो। अब मैं टिंट को भी हल्का सा राइट की साइड करता हूँ, तो मेरा चेहरा हल्का सा ऑरेंजिश सा हो जाएगा, बहुत ही हल्का हल्का करना, मतलब ज़्यादा करने की कोशिश मत करना, क्योंकि भाई ओवर एडिट जो फोटो होती है ना वो बहुत ही भद्दी सी लगती है और अलग से ही दिखती है। तो अब आ जाते हैं मेन कलर टोन पे, कि कलर टोन कैसे सेट करनी है। तो ये मिक्स वाला जो बटन है ना इसको दबाना, और ये जो छोटा सा ऐसे क्या माउस वाला है या पता नहीं गोल साइज जिसके चारों साइड आरो बनी है इसको दबाना, और जो स्काई है ना उसका ह्यू चेंज करना है। तो सबसे पहले ह्यू पे क्लिक करो और स्काई का ह्यू इसको कर दो टील, तो ये वाला जो कलर होता है ना ये टील होता है, तो एकदम ऐसे हरियाली मत फैला देना, हल्का सा एकदम सटल सा रखना, ठीक है, कि मतलब हल्का सा शेड सा है उसका और सही सा लगे। और आपने अगर नोटिस करो तो ये ग्रीन जो है ना ये घास घास है ना उभर के सी आ रही है, अलग सी ऐसे लग रही है, तो इसको फिक्स करने के लिए आप इसकी भी जो ह्यू है उसकी भी चेंज कर सकते हो, या तो एकदम ही हरियाली में लेके जा सकते हो, या फिर इसको भी हल्का सा ऐसे ऑरेंजिश से शेड में डाल सकते हो, तो ये ज़्यादा ऐसे आंखों में चुभेगी नहीं। जो मेन अट्रैक्शन है यार वो जो ऑब्जेक्ट है बीच में, जो मैं हूँ इस टाइम पे, सही बात है ना, तो वो अलग से देखना चाहिए। तो उसके लिए हमको येलो थोड़ा और उभारना पड़ेगा, तो जो कोट सा है इसका भी कलर पूरा चेंज कर, इस साइड भी येलो कर सकते हैं पूरा, या ऑरेंज भी कर सकते हैं, बट हमको बीच में ऑरेंजिश सा रखना है, येलो ऑरेंजिश सा। तो अब क्या करते हैं, अब चेहरा थोड़ा डार्क सा लग रहा है, तो उसको चेहरे को भी लुमिनेंस पे क्लिक करके ना इसको हल्का सा गोरा कर देते हैं, गोरा नहीं मतलब हल्का सा लाइट आएगी तो अच्छा सा क्लियर सा दिखेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बिफोर और आफ्टर में अभी काफ़ी फर्क देखने के लिए मिल रहा है आपको, एक टील एंड ऑरेंजिश वाली ऐसे फील आ गई है। तो ऐसे पहले ऐसे बोरिंग सी इमेज थी, वाइट सा स्काई था, कुछ मज़ा नहीं आ रहा था, बट अब ऐसे सब ऐसे उभर के वो भाई ऑरेंज ऑरेंज और ब्लू आ रहा है। अब आ जाते हैं लास्ट वाले सेक्शन पे, जो क्लियरिटी और एजारा वाला था, इसमें भाई जितने बंदे वैसे ऐसे ओवरडोज डाल देते हैं, मतलब क्लियरिटी मतलब एकदम फुल क्लियरिटी, ऐसे 100% रेड कैमरा वाली फोटो खींच देंगे मोबाइल से। एक्चुअली ये सब करोगे ना तो बहुत ही भद्दी सी लाइन लगती है फोटो और अलग से ही दिखती है, बहुत ही हल्की सी क्लियरिटी, या फिर अगर आपको डालनी है या रिमूव करनी है तो बहुत ही हल्का रखना है इसको। तो यहाँ पे थोड़े बहुत और आप चेंजेस कर लो, और विनियट डाल दो, विनियट मतलब ऐसे चारों कोनों में ऐसे हल्का हल्का डार्क हो जाता है, बट वो भी ज़्यादा मत करना, हल्का सा करना बस। तो ये हो गई है भाई फाइनल फोटो एडिट, ये बिफोर थी, ये भी बिफोर मतलब थोड़ी बहुत चेंजेस करने के बाद, और ये आफ्टर फोटो ऐसे चमक के आ रही है, मस्त लग रही है। तो आपने भी ऐसे मस्त फोटो एडिट करना, और थोड़ी बहुत और एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको भी अंदाज़ा लग जाएगा कैसी फोटो एडिट होती है। तो अब जैसे पत्थर की फोटो थी इसमें मतलब ठीक है सब येलो येलो जाएगा, कोई मज़ा नहीं आ रहा, बट इसको एडिट करके मैंने ऐसे ना ब्लू और ऑरेंज में कन्वर्ट कर दिया, तो अब ये पत्थर ऐसे मस्त ऐसे उभर के आ रहा, तो ऐसा लग रहा है क्या भाई जादुई पत्थर है ऐसा कुछ, और ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा, जो अभी फोटो में करा था ना सेम चीज़ इसमें करी, टेम्परेचर कम करके ऐसे टील और ऑरेंज में डिवाइड कर दिया। और ऑलमोस्ट सारी फोटोज़ में यही करता हूँ, इस वाली फोटो में पहले ऐसे अंधेरा सा था और रोशनी करती थी, उसके बाद टील एंड ऑरेंज करके, और ये मैं पता नहीं भाई बंदूक को गिटार समझ के बजा रहा हूँ, और इसको भी टील एंड ऑरेंज में कर दिया। और ये वाली फोटो भी जो है ये थोड़ी डार्क सी, इसमें काफ़ी सारे कलर हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको भी टील एंड ऑरेंज में, जितनी भी लाइट हो सारी टील। ये वाली भी मोबाइल से खींची, इसमें भी मतलब प्लेन स्काई लग रहा है और सारा ऐसे नॉर्मल सा है, और टील एंड ऑरेंज कर दिया तो मतलब ऐसे कॉन्ट्रास्ट आ रहा है वहाँ भाई, अब ऐसे चंद्रमा पे जाके कर रहे हैं कुछ। करना खुद भी अपने आप एडिट और बताना मेरे को कैसी आती है आपकी फोटोज़, मेरे को टैग कर देना @techburner, और मेरी भी थोड़ी बहुत फोटो लाइक कर देना, कम्युनिटी टैब पे भी पोस्ट करने की कोशिश करूँगा थोड़ी बहुत फोटो। तो इतना था इस वीडियो के लिए, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और मैं तेज़ी से बोलता हूँ मेरे को बहुत ही मज़ा आ जाता है एंड में, और बाय।